राजधानी लखनऊ के मनियावा क्षेत्र स्थित श्री गायत्री नगर रामलीला मैदान में सुंदरकांड का भव्य पाठ कर रामलीला मैदान के कृष्ण लीला मैदान तक ढोल नगाड़ों एवं नृत्य के साथ उत्सवपूर्ण शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें समिति के समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ता तथा क्षेत्र के समस्त माताएं एवं बहनों ने बढ़ चढ़कर कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शोभा यात्रा निकाली। इसका नेतृत्व समिति के अध्यक्ष श्री राम प्रकाश जी ने किया तथा क्षेत्रीय सभासद श्री प्रदीप शुक्ला जी भी सम्मिलित हुए। साथ ही समिति के अध्यक्ष ने मौजूद प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का भी आभार व्यक्त किया और समस्त क्षेत्रवासियों, शहरवासियों और प्रदेशवासियों तथा देशवासियों भी को भी रामलीला शिलांश की ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं दी। जय श्री राम नारे के जोरदार उत्सव के साथ असंख्य दीप प्रज्वलित कर आज कार्यक्रम का समापन किया गया। लखनऊ से चीफ ब्यूरो राघवेंद्र सिंह। राम जन्मभूमि की का शिलान्यास आज हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये हिंदुओं की 500 साल पुराना जो कोढ़ था वो दूर हुआ है। पता नहीं कितनी पीढ़ी गुजर गई। हम लोगों का जो खुशी और उत्साह है शब्दों में नहीं बयां कर सकते, इसमें समझ लीजिए। अच्छा, वर्तमान समय की सरकार के बारे में क्या कहेंगे ये शिलान्यास? हाँ, सरकार है तभी तो ये उम्मीद जगी है, नहीं तो मुश्किल था। सरकार का श्रेय जरूर जाता है। तो ये जन सेवा समिति इसका तहे दिल से आभार व्यक्त करती है क्या? हाँ बिल्कुल, हमने बैनर भी लगाए हैं, हार्दिक स्वागत अभिनंदन का, मोदी जी का स्पेशल, और मैं आभार व्यक्त करता हूँ सरकार का, और जो उन्होंने जो आज नहीं रहे जो चले गए, और आज मंदिर निर्माण हो रहा है, आज ऊपर होंगे देख रहे होंगे तो कितना खुश होंगे। आज ये यात्रा निकाली, क्या रहा इसका जरा कुछ बताइए इसके बारे में, आज की यात्रा के बारे में? ये उत्साह है, यात्रा क्या उत्साह था सब लोगों का, तो यहाँ एक मंदिर है, मंदिर तक जाएंगे फिर वापस वहीं जाएंगे। वहाँ तमाम महिलाएं एकत्रित हैं, वो गीत भजन ये सब करेंगी। शाम को रामलीला मैदान में ये कृष्ण लीला पार्क है जहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ 1100 दीपक यहाँ जलेंगे, वहाँ भी जलेंगे, घर घर पूरे गायत्री नगर में तो पूरे उत्सव का माहौल है, ये है तो पूरे देश में, लेकिन जहाँ हम हैं वहाँ के जानते हैं यहाँ पूरा उत्सव का माहौल है, और इसका ये खुशी शब्दों में नहीं बयां की जा सकती, बस ये।